अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो करेंगे वो है पोस्ट प्रोडक्शन आर्किटेक्चर। ये आप ऊपर देखे को मैंने वेबसाइट में सर्च करने के लिए लगाया हुआ है। ये होता है क्या है, बेसिकली जब आप ब्रांडिंग कंप्लीट कर लेते हैं 3D Max के अंदर, फिर उसके बाद फिर आपको फोटोशॉप पे लेके आते हैं और उसकी फिनिशिंग करते हैं। हम इसकी लाइटिंग, मटेरियल और बैकग्राउंड स्काई को चेंज करते हैं और इसको एक अच्छी तस्वीर बना देते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कुछ सैंपल्स हैं, ये देखें पोस्ट प्रोडक्शन का कि पहले कैसा था फिर इसके बाद कैसा हो गया। तो ये आपका पूरा चेंज कर देता है इन्वायरमेंट, जैसे कि ये देखिए स्काई वगैरह को चेंज कर दिया उसने, टेम्परेचर्स को चेंज किया उसने, ब्राइटनेस को चेंज किया, कहीं उसने डार्कनेस कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो वो होता क्यों है कि इससे क्या होता है कि आपकी तस्वीर और अच्छी, जैसे आउटपुट अच्छा आता है और रिजल्ट का बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो आज हम सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे। मैंने एक ब्रांडिंग की हुई है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक ब्रांडिंग की हुई, ये JPG फॉर्मेट में है। JPG फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इसका बैकग्राउंड स्काई आ रहा होता है जो आपने 3D Max में किया हुआ होता है। उसके बाद PNG होता है जो जिसमें बैकग्राउंड स्काई नहीं आ रहा होता। तो हम ये दोनों तस्वीरें लेंगे और हमेशा आप एक PNG जरूर लिया करें। ये जितने एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने 3D Max में डाले हुए हैं, ये इंश्योरेंस के मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको बता दूंगा। तो यहाँ से लेके ये सारे PNG में आप फॉर्मेट में रखेगा और ये वाली जो एक एक इमेज आप JPG में रखेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों रखना चाहिए। तो अब लेट्स सी एंड गो। उसके लिए हमें फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, लेकिन फोटोशॉप अगर आपके पास वर्जन नया है तो बहुत बेस्ट है, नया ही वर्जन ले लें। अगर पुराना है तो वो हटा दीजिए, नया रखें, क्योंकि जिसमें एक ऑप्शन है जिसमें बहुत अच्छा तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से आपके इमेज के रिजल्ट को कुछ चेंज कर देगा। और आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कौन सा अडोब फोटोशॉप 2021 है। तो आप ये इंस्टॉल करेगा या 20, जिसमें ये ऑप्शन होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज करें और उससे आपका इमेज में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलते हैं अपने, ठीक है, ये मेरा फोटोशॉप खुल गया है। अच्छा, लोग क्या करते हैं मोमन, ये यहाँ से लेते हैं और वो डालते, ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ये एक इमेज आती है तो लोग क्या करते हैं मोमन, दूसरी फाइल भी यहाँ से लेते हैं और इधर डाल देते हैं। फिर यहाँ से इसको मूव करते हैं और शिफ्ट करके उसको यहाँ से मूव करके इसको ले आते हैं। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आगे दो देखें, दो मेजर आगे लेंगे, बहुत लेंथी प्रोसेस है। हम बहुत सिंपल प्रोसेस पर जाएंगे, यहाँ फाइल पर जाएगा, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पर आके लोड फाइल इंस्टू स्ट्रक है, इस पर आप क्लिक कीजिए और ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में जाने के बाद ये सारी फाइल आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, ओके करनी है और ये एक साथ आपकी एक ही फाइल में सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग फाइल बन जाती है फिर इसको एक ही फाइल में मर्ज करते हैं। इट टेक टाइम, तो बेहतर है कि ये वाली ऑप्शन यूज़ करेगा स्क्रिप्ट वाला और आपका मसला हल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, उसके बाद हमें बैकग्राउंड स्काई भी डालना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट करके यहाँ रखा हुआ है कि हमारा टाइम बच जाए, या हम बैकग्राउंड स्काई यूज़ करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स ये 3D Max में आते हैं और वो उसका क्या काम है, इंशाल्लाह मैं इसका एक वीडियो अलग ही बनाऊंगा, उस पर डिटेल बताऊंगा। अभी हम सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में काम करेंगे और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या काम होता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारी एक स्काई बन गया, ये 3D Max के स्काई है जो हमारे पास है। अगर मैं इसको बंद करूँगा एक PNG फाइल आ जाएगी विदाउट स्काई की और एक स्काई के साथ आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करें, स्काई चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे और ये फाइल उठा के इसमें डाल देंगे, यहाँ अलग करेंगे इसको भी, मूव करके इसमें डाल देंगे, ज़्यादा बेहतर है। अब ठीक है, ये आ गए अब हमारी फाइल, हम इसको बैक की तरफ ले जाएंगे, तस्वीर के बैक की तरफ ले जाएंगे, लेकिन तस्वीर नहीं दिख रही आपको। JPG वाली जो इमेज है आप इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिएगा, 30% कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आपकी इमेज आप किस तरह जा रहे हैं, कितने स्काई डार्क होना चाहिए, वो आपके अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा स्काई आ गया। ठीक है, अब ये स्काई बहुत बड़ा लग रहा है तो हम कंट्रोल करके दबा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ये देखें ये हमारा
बेहतरीन स्काई आ गया, बैकग्राउंड स्काई हमारा आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमारी लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही इसके ऊपर, और हमारा इमेज वो जो आना चाहिए, जो आउटपुट देना चाहिए, उस तरफ का नहीं आ रहा, रियलिस्टिक नहीं दिख रहा, हमें डल डल लग रहा हर जगह से। तो अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम करेंगे, जो बहुत जो आपकी इमेज को चेंज कर देगा। तो सबसे पहले तो हम इस इमेज को सेव करेंगे, फाइल सेव एज, पोस्ट प्रोडक्शन में डाल देंगे, और यहाँ लिखेंगे बिफोर पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। इसको जेपीजी में कर देते हैं इसको, और सेव कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया, अब इसको हम बंद कर देते हैं, बंद नहीं करते, छोड़ें इसको। ओपन में जाइए, ओपन में जाके ये पोस्ट प्रोडक्शन है, इसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका आ गया। अब ये इमेज देख लीजिए, अब हम इसमें जो मेन काम करने जा रहे हैं, जो 2021 में है, मुझे है फीचर मिला है, वो ये है, फिल्टर में जाइए, कैमरा रॉ फिल्टर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं टूल्स है, जिससे आपकी इमेज में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। इसे आप क्लिक करें तो इनके अपने ऑप्शंस आ जाएंगे, उस ऑप्शन को हम खेलेंगे और इसके एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। आप बेसिक में आइए, बेसिक का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, हम तो चंद ऑप्शन को काम करेंगे, जहाँ पर आपका इमेज बिल्कुल, अगर मैं इसको लेके बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेसिक में हम जाएंगे, बेसिक मेन चीज़ इसका। अब टेम्परेचर क्या होता है कि आपके रोशन ऑरेंज ऑरेंज व्यू आता है, ब्लू व्यू हो जाता है, जैसे कि आप देखें ये ब्लू व्यू में जगह कि पूरा ब्लू व्यू हो गया, और अगर फुल कर देता ये ऑरेंज है, लेकिन हमें चाहिए बैलेंस में चाहिए कि ज़्यादा ब्लू होना हो, ज़्यादा ऑरेंज ना हो। तो हम इस स्काई के बैकग्राउंड के हिसाब से हम इसको इमेज को मर्ज करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर को मर्ज करने जा रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर, तो अब ये हमने कर दिया, मर्ज कर दिया इसको तकरीबन 10%। अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो सब जो गेम खेलेंगे 15-20+ के ऊपर खेलेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है, थोड़ा मैच हो गया। अब इसका तीन ही तीन जो है ना, ये ग्रीन करना, रेड, वो पे आप जैसे एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी है, टेम्परेचर 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर थोड़ी सी रोशनी में चाहता हूँ उसके ऊपर आगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हो, थोड़ा डार्क टाइप का भी दिखे, तो इसको हम देखें, अगर हम ये नीचे की तरफ देखें डार्क वगैरह आ रहा है, ये देखें पूरा फुल करके दिखा रहा हूँ, और -100 +100, लेकिन हम इसको बैलेंस में रखेंगे, प्लस लगा दें 25 बेस्ट है इसके लिए, 25 में कर देना, ठीक है। हाईलाइट थोड़ी और चीज़ें दिखें, ये देखें, अगर आप स्काई की तरफ देखें स्काई भी कुछ चेंज हो, लेकिन बहुत ही चेंज हो रहा, तो हमारा चक्स स्काई का दिख नहीं रहा, तो हम इसको 0 ही रखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। शेडो जो होता है बेसिकली, जो जहाँ शेडो के जहाँ शेडो होता है वहाँ थोड़ा डार्कनेस आ जाता है, तो बाहर इमेजेस हम लोग ऐसे बनाते हैं बहुत डार्कनेस। अब जैसे ये वाला हिस्सा है, ये बहुत डार्क दिख रहा है मुझे, अगर मैं इसको शेडो को प्लस की तरफ जाकर देके जाऊँगा, देखेंगे लाइट हो रहा है, हमें रोशनी इसकी आ रही है, हमें और आपके इमेज को दिख रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि हमारा रियलिस्टिक ख़त्म हो जाए, तो हम इसको भी 10 के अंदर अंदर रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह फिर इसके व्हाइट, जहाँ जब व्हाइट होगा वो उसको और इसको ब्राइट कर देगा और खोल देगा। तो आप जाते हैं व्हाइट की तरफ जाते हैं और इसको देखते हैं, ये देखें जहाँ जब व्हाइट आ रहा है, लेकिन हम सबको आपको ओवर नहीं करना है, हमें बिल्कुल इतना रखना है कि हमारी हमारी जो मेथ निकले वो अच्छी निकले, 10% 10% +1। अच्छा, जहाँ जहाँ ये ब्लैक होगा ना, वहाँ वहाँ इसको और उभार देगा, जहाँ डार्क कलर आ रहा होगा, जैसे आप देखिए ये सारा डार्क कलर है, आपकी वुड है थोड़ा डार्क, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ना, देखिए देखें तो ये लाइट हो रहा है आपके डार्क कलर्स को, लाइट कलर, लेकिन हमें वही बात है कि हमें अपने कलर को बचा के रखना है, तो हम इस हिसाब से रखेंगे कि 10-15% इस तरह के, 15 देखें बहुत, 100 में चलेगा, सॉरी इसको हम 15 ही, 15 काफ़ी, इट्स इनफ, ठीक है। अब ये जो मुझे सबसे अच्छा इस पर फीचर लगा, ये टेक्सचर क्रिएटिव, और ये तीन फीचर बहुत अच्छे लगे। टेक्सचर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, टेक्सचर के ऊपर आप 10 तकरीबन, अगर आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, अगर मैं टेक्सचर को क्लियर करूँगा, ये बोर्ड देखें कैसे टेक्सचर्स के अपने वादे और दिख रही है, अगर उसको -100 करूँगा टेक्सचर गायब हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं इसको प्लस की तरफ लेके जाऊँगा टेक्सचर और दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बम्पिंग किसी ने की है इसके ऊपर। अगर आप ये वुड वाला ये देखें, अगर ये ब्रिक देखें, ब्रिक के ऊपर पहले कैसे ये देखें, जैसे बढ़ाता रहूँ ब्रिक और वादे तौर पर दिखने लगे, तो हम भी इसके उसी के ऊपर तकरीबन 20 20
तक मैं रखता हूँ ज़्यादा नहीं लगता, 20-25 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, तो ज़्यादा ओवर लगता है मुझे। इससे इसको क्लियरिटी में लाने के लिए ये रहेगा, अगर अब पहले स्पोर्ट में जा रहा है, स्पोर्ट में क्या होता है थोड़ा धुला धुला हो जाता है, क्लियरिटी उनको और क्लियर दिखे, तो हम इसको क्लियरिटी को भी 20-25-20 ज़्यादा रखेंगे तो वो ओवर लगता है कि देख कितना ओवर लग रहा है। तो हमें सारी चीज़ें बैलेंस में रखनी है, 20-25 आप करके इसके सामने 20-25-15-10 से लेके जहाँ तक आपको लगे हाँ यार इस इनफ मेरे लिए काफ़ी है, ओके तो इमेज ओवर नहीं हो रही मेरी, तो आप इसके बाद ये हैज है, ये हैज बड़ा अच्छा काम करता है, ये आपके एनवायरनमेंट को बिल्कुल ही और इंस्टिक भी आता है, हर जगह हर एनवायरनमेंट को थोड़ा डार्क और बड़ा, अगर आप इसका फ्रेम भी निकालेंगे बहुत अच्छा आता है इसका फ्रेम। ठीक है, अब मैं उनको ये माइनस में कर रहा हूँ तो कैसा हो गया, 100 में कर बहुत ही डार्क हो गया, तो हम इसको भी बैलेंस में रखेंगे, हम इसको रखेंगे तकरीबन 10% इनफ है, 10% या 15% रखने, 12 सही काफ़ी। ठीक है, ये एक चीज़ आ गई। अब ये आ गया विवेन में, क्या होता है कि ये कलर को और ज़्यादा ओवर कलर कर देगा आपको, आई मीन बहुत ज़्यादा डार्क कर देगा, हमें हर कलर बहुत डार्क डार्क देखेगा, तो वो भी अच्छी चीज़ होती है, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ता नहीं, जैसे हमारा 3D Max में मुझे रेंडिंग चाहिए थी उस हिसाब से कलर सही है। अगर हाँ कहीं लग रहा होगा आपको इन्हें बहुत कलर डीम दिख रहे हैं, तो आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं इसमें, मैं नहीं करता। इसी तरह ही आपको आपको ग्रे में चाहिए थोड़ा, या बहुत ज़्यादा कलर ओवर हो रहा था आपका, डार्क दिख रहा है कलर, तो आप उसको थोड़ा लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल कर सकता है, ये हो गया। ठीक है, इसी के साथ आप नीचे आ जाए कर्व में, कर्व वही है, हाईलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आती है इस कर्व में, लाइट है, ये सारे सारे फंक्शन वैसे इसी टाइप के हैं, डार्क करना, डार्क करें, इधर करें, ये नहीं इस तरह, ठीक है, अगर ज़रूरत तो करें, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा, मेरे लिए काफ़ी इन। तो हम आगे चलते हैं, आगे और ऑप्शन है कलर मिक्सचर, कलर मिक्सचर में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि रेड गाड़ी, अब इसमें रेड गाड़ी का कलर आप चेंज करें, जहाँ जहाँ रेड हो गई वो आप चेंज कर सकते हैं, इधर पिंक की तरफ आ गया, इसी तरह कहीं पर भी आपका रेडिश कलर आ रहा होगा, उस कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ऑरेंज है, ऑरेंज जैसे मेरे बराबर वाली है, ये बराबर वाली भी चेंज होगी, दोनों चेंज होंगे, इससे क्या ऑरेंज मिक्स आ रहा है इसमें, जहाँ जहाँ जैसे कि आपकी लाइट है ऑरेंज में आ जाती है, ऑरेंज में आ जाती है तकरीबन, तो आप इसको भी ये देखें रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, जहाँ जहाँ आपको ऑरेंज में अगर तो आप चाहते हैं थोड़ा डार्क हो, लाइट हो, वो आप यहाँ पर चेंज कर, इसी तरह आप ये ग्रीन है, ग्रीन कलर में भी आप देखेंगे चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर आ रहे हैं वहाँ पर ये पूरे ग्रीन कलर के कलर चेंज हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह इफेक्ट में आ जाए, इफेक्ट क्या काम करता है कि ये जैसे कि ये नॉइस वगैरह का, ग्रीन नॉइस, ये तो खैर जरूरत नहीं इसकी, ये एक ऑप्शन है कि आप चाह रहे हैं कि साइड में सारे एडजस्ट में मेरा थोड़ा डार्क कलर हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, उसको अपना हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप चाहते हैं पूरा वाइट ही आ जाए, तो ये आप डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो आप करें, नहीं पसंद हम लोग करते नहीं है, पहले ज़माने में तो आप नहीं करते कोई, अब गुजारिश की करना तो थोड़ा सा आप कर दें अगर चाहे तो, इसको थोड़ा सा माइनस, ठीक है, नहीं छोड़ दें काफ़ी है, तो ये आपके अब एक चेंज हो गया इन्वायरमेंट, अब इसको हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप आपको फ़र्क देखेंगे, अब ये मेरे एक प्रोटेक्शन है, इसको हम पहले सेव कर लेंगे, आफ्टर पोस्ट प्रोटेक्शन सेव जी, अब ये सामने आ गया, ये था मेरा बिफोर पोस्ट प्रोडक्शन और ये है आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन, आपने देखा कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, सारी चीज़ें सेम थी, सिर्फ मैंने एक टूल के ऊपर खेला और उसके बाद पूरा एनवायरनमेंट मेरा चेंज हो गया, बैकग्राउंड स्काई भी दोनों को सेम ही था, कुछ हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ एक टूल के ऊपर काम किया, अब आपने देखा कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका, अगर आप इसको और गौर से देखेंगे तो फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखाऊंगा कितना वाजह तौर पर चेंज दिख रहा है, अगर आपको दूसरा वाला ये देखिए, पहला वाला था बिफोर था और उसके ये बाद वाला, ये कितना फ़र्क है ये देखें, तो आपके आप ये देखें ये उठ रहा है, आपकी लाइटिंग उठ रही है इसके ऊपर, मटेरियल आपको वाजह दिख रहा है, आपके इन्वायरमेंट को बता रहा है कि क्या इन्वायरमेंट बनाया आपने, बैकग्राउंड स्काई आपका मैच कर रहा है उसके हिसाब से, तो ये एक छोटे से टूल था जो आपको मैं बताना चाह रहा था, और इससे इतना फ़ायदा आपको होगा इंशाल्लाह कि आप दुआ में याद रखेंगे, हमें दुआ ज़रूर देंगे, क्योंकि ये किसी छोटी चीज़ें जो आपकी इमेज को पूरे का पूरा चेंज कर देगा, तो आपको यकीनन ये समझ आ चुकी होगी कि
पोस्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता देता हूँ कि ये टूल्स में जाके, फिल्टर में जाके, कैमरा रो फिल्टर के नाम से है, इसको आप करेगा इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क दिखेगा, मैंने दिखा भी दिया है इंशाल्लाह आपको यकीनन ये क्लास समझ आ चुकी होगी। भाई जाने से पहले एक ज़रूर काम कर दिया करेंगे कि भाई लोगों को आगे से आगे लोगों को बताएं भी और सब्सक्राइब ज़रूर करिया करें और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, अल्लाह हाफिज़।